हेलोज वेलकम बैक टू माई चैनल लवर सर फ्रेंड्स मी नीलूफर. सो ये मेरा बिफोर एंड आफ्टर मेकअप लुक है जो कि मैंने क्रिएट किया है विद नो फाउंडेशन नो कंसीलर नो कॉन्टोरिंग एंड नो हाईलाइटर. सो ये इट हेल्प्स लाइक ये बहुत हेल्प होने वाला है जो मेकअप बिगिनर्स हैं टीनेजर हैं एंड कोई भी ट्राई कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो फर्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे एज अ फेस मिस्ट. इसे मैं अप्लाई करूँगी, इट हेल्प्स टू हाइड्रेट माई स्किन और साथ ही साथ मुझे हल्का सा मॉइस्चराइज भी मिल जाएगा. तो इसे मैं ड्राई करने का वेट करूँगी. देन आई एम गोइंग टू यूज़ आर्गन फेशियल ऑयल. इसके जस्ट मैं 2 ड्रॉप्स ले रही हूँ ऑल ओवर फेस पे. मैं इसे पैट मोशन पे अप्लाई कर लूँगी बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन. सो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर मिल जाएगा, इसे मॉइस्चराइज रखेगा. तो जिनके भी ड्राई स्किन है तो फर्स्ट मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए. तो अच्छे से लगाने के बाद मैं यहाँ पर सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ SPF 30+. सो बिकॉज हम समर आ चुका है और हम सन एक्सपोज करेंगे तो सनस्क्रीन इज मस्ट, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए. तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. ये लग चुका है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 925 cc क्रीम और इसे मैं अपने नॉर्मल जैसे हम क्रीम यूज़ करते हैं उतने क्वांटिटी में अपने फेस में लूँगी और अपने आईलिड पे भी थोड़ा लगा लूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. तो सी यहाँ पे मैंने अपना सीसी क्रीम यूज़ किया है. आप चाहो तो आपके रेगुलर वाला क्रीम जो भी आप यूज़ करते हो आप वो यूज़ कीजिए और उसे मैं अच्छे से जैसे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने पूरे फेस में. नेक्स्ट यहाँ पर मैं मैट लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ जस्ट स्किन को बेक करने के लिए जो कि अंडर आई पे मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से लगाऊंगी. देन जो जो एरिया जो थोड़ा सा क्रीज होने का डर होता है जैसे स्वेट आना है अभी बाहर जाएंगे गर्मियाँ हैं तो उस एरिया में लगाऊंगी अराउंड माई नोज अपने चिन पे अपने चीक बोन के हल्के से ऊपर सॉरी जॉ लाइन के थोड़े से ऊपर एंड देन फॉरहेड पे. तो ये इसे बेक करने के लिए एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स रखना होगा एंड जब तक ये बेक होगा इस बीच में अपने ब्रावोस को मैं फिल कर लूँगी. तो यहाँ पे मैं ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ ब्रावो फिल करने के लिए. सो जो भी मेरा नेचुरल शेप है इसे मैं पहले ड्रॉ करूँगी देन जो भी स्पेयर एरिया होगा उसे मैं सेम पेंसिल से फिल कर दूँगी. देन दूसरे ब्रावोस में भी पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी शेप को जो भी मुझे शेप देना है देन साथ में फिल कर दूंगी. देन इसी के जो बैक में जो कोम होता है उसे फिर मैं अच्छे से ब्लेंड करना शुरू करूंगी. इससे थोड़ा स्मच कर दूंगी ताकि कोई भी लाइन ना रहे बीच में और कोई भी और ये अच्छे से इसका जो अंदर जो कलर है वो अच्छे से जो है अपने शेप में आ जाए. तो इसे मैंने अच्छे से स्मच कर दिया है. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड एडिशन पैलेट ले रही हूँ और इसमें मैंने 2 लाइट एंड डार्क ब्राउन जो है दोनों मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ. तो एक छोटे से ब्रश के हेल्प से मैं इसे आउटर वी में प्लेस करूँगी एंड आप ध्यान दीजिएगा इसे मैं पूरे आईलिड पे नहीं यूज़ कर रही हूँ जस्ट आउटर वी से ले जाते हुए मैं क्रीज से इनर कॉर्नर पर भी सेम जो है अप्लाई करूँगी. तो आप देखिएगा मैं सेंटर ऑफ माई आई जो होगा उस पर मैं ये कलर नहीं दूंगी जस्ट मैं इनर कॉर्नर एंड आउटर वी में ये प्लेस कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं एक फ्लफी ब्रश लूँगी एंड देन आउटर वी से क्रीज तक जो है इसे मैं ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस इसमें ना रहे. तो इस बीच में जो भी मैंने पाउडर लगाया हो तो उसे मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी. तो ये एक तो हेल्प होता है आपके स्किन पे एक शील्ड बन जाता है एंड आपका जो मेकअप है वो सेट रहता है. आपके पास अगर लूज़ पाउडर नहीं है आप बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो वाइट पाउडर होता है या जो भी कोई भी टैल्कम जो फ्रेग्रेंस के लिए आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर भी. नेक्स्ट मैं आगे कंटिन्यू करूँगी अपने आई लुक के लिए. सेम पैलेट में से मैं एक मस्टर्ड कलर लूँगी जो हल्का सा शिमरी है और इसे फिंगर टिप से अपने आई बॉल पर अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ और अपने
जो आईलाइनर है बहुत ही लाइट वे में इसका विंग क्रिएट करूँगी और अपर लैश लाइन से मैं अच्छे से इसका जो है लाइनर जो है क्रिएट करूँगी। आप चाहो तो इसमें थिक लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इस लुक के साथ बहुत लाइट और न्यूट्रल लुक रखना चाह रही थी तो मैंने बहुत पतला सा विंग क्रिएट किया है। इसके बाद मैं सेम शैडो जो लाइट डार्क ब्राउन था उसको मैं ब्रश के हेल्प से, एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैं अपने बॉटम लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी सो दैट मेरे आईज़ के जो डेफिनेशन हो लुक जो है अच्छा आए। इसके बाद मैं अपने लैश को कर्ल कर लूँगी अच्छे से, तो इसमें हल्का सा मस्कारा लग गया है, इट्स ओके। सो ने जो दूसरी आई है उसे भी मैं अच्छे से कर्ल कर लूँगी लैश को। फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज़ मैक का मस्कारा जो कि बहुत थिक एंड वॉल्यूम है एंड दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा अभी तक के टाइम पे जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ करेंट में। तो इसे मैं अच्छे से कोट करूँगी अपने अपर लैश को और साथ ही साथ अपने बॉटम लैश को भी। तो आप बॉटम लैश को मत भूलिए, अदरवाइज़ आपका जो आई लुक है वो कम्प्लीट नहीं लगेगा। तो अच्छे से मैं इसे कोट कर लूँगी बिकॉज मैं यहाँ पर कोई फॉल्स लैशेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इस लुक के साथ मैं काजल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक वाइट एंड सिल्वर कलर का पेंसिल, आई पेंसिल, और इसे मैं अपने बॉटम वाटर लाइन पे जो है अप्लाई कर लूँगी एज अ काजल। चीक्स के लिए मैं अपना मेबेलिन का लिपस्टिक लूँगी जो कि क्रीमी लिपस्टिक है और ये मैं यूजुअली ब्लश के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो फिंगर टिप से मैं जस्ट थोड़े से अपने दोनों चीक्स पे लगा लूँगी, देन अपने हाथों से फिंगर से उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों चीक पे बिकॉज़ ये क्रीमी है। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर में हल्का सा पाउडर लूँगी या आप चाहो तो कॉम्पैक्ट जो आप यूज़ करते हैं वो लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए सो दैट ये सेट हो जाए। सो यहाँ पर मैं अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए Nybae का लिपस्टिक ले रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक जो कि रेड एंड ऑरेंज का आप बोल सकते हो मिडल कलर है। तो ये रेड कलर भी इफेक्ट देता है, समटाइम मुझे ऑरेंज लगता है। तो ये मैं लिपस्टिक यहाँ पर अपना अप्लाई कर रही हूँ अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप आपको जो लुक है अच्छा लगा होगा एंड कमेंट बिलो अबाउट योर रिक्वेस्ट, फीडबैक और क्वेश्चंस, या फिर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो कुछ भी जो है आप कमेंट कर सकते हो। तो ये लुक बहुत इजी एंड क्विक वे में है, जो भी मेकअप बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा, टीनेजर भी आप भी ट्राई कर सकते हो या नॉर्मली किसी को भी अगर ट्राई करना हो आप देख सकते हो। एक तो आपके पास रेगुलर क्रीम है उससे भी आप मेकअप जो है क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो हेयर स्टाइल मेरा ये है, मेकअप आपने देख लिया है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, बाय बाय।